आज पाइनएप्पल गोचू बनाएंगे। ये साउथ में ज़्यादा बनता है। पाइनएप्पल गोचू बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, पाइनएप्पल को ऐसा बारीक काट लिया है 1 कप, थोड़ा सूखा नारियल, ऑयल, ये खारा वाला मिर्ची है और ये कलर वाला मिर्ची है, दोनों पांचे लिया है, तिल, हल्दी, धनिया, राई, हिंग, इमली, नमक, जीरा, गुड़, उड़द का दाल, अभी गैस पर कढ़ाई रखी हूँ, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाली हूँ, तिल, उड़द का दाल, इसको थोड़ा भून लेंगे रोज कलर, देखिए धनिया, उसी में धनिया डाल रही हूँ, ये भी ऐसा थोड़ा भून लेंगे, मिर्ची डाल रही हूँ, दोनों प्रकार का मिर्ची, जीरा, हल्दी आधा इसमें डाल रही हूँ, आधा हल्दी आधा नमक, इसको भी भून लेंगे, सूखा नारियल, अभी इसको ठंडा करके मिक्सी जार में डाल रही हूँ, जो काट के रखा था ना पाइनएप्पल उसमें क्वार्टर हिस्सा मिक्सी में डाल रही हूँ, इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे, देखिए अभी उसी कढ़ाई में और थोड़ा तेल डाल रही हूँ, राई, हिंग, कड़ी पत्ता, हल्दी, पाइनएप्पल, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ा पानी डाल रही हूँ, अभी थाली बंद करके 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, देखिए पक गया है, इमली जो लिया था ना उसको भी निचोड़ के उसका रस डाल रही हूँ, नमक, गुड़, जो मसाला पीस के रखा था ना वो भी इसमें डाल रही हूँ, मिक्सी धो के थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, मेथी और सरसों का भून के रखा था वो पाउडर डाल रही हूँ, देखिए थाली बंद करके 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, देखिए पाइनएप्पल गोचू रेडी हो गया है, ये चपाती के लिए चावल के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको अभी सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ,
पाइनएप्पल गोजू रेडी।